करते हुए म्यूजिक लॉन्च किया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ, और आज जब मैंने ये म्यूजिक रिलीज देखा तो मुझे मेरे पहली फिल्म की याद आ गई। जब मैं पहली फिल्म में आया था चलत मुसाफिर मोलियो रे, और उस समय हमारे निर्माता सुधाकर भैया जीवित थे, उन्होंने जुहू पे रखा था। मेरी पहली फिल्म थी चलत मुसाफिर मोलियो रे, और मैं ऐसे ही एकदम रंजीत झा की तरह बॉडी बनाए हुए था, एकदम इन्हीं की तरह दुबला पतला आया था। तो लोगों को ऐसा लगा था कि ये आदमी सिंगल पसली का ये क्या हीरो बनेगा, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद प्यार से मैंने आप लोगों का दिल जीता। मैंने बहुत सारी फिल्में की और कर रहा हूँ, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि मेरे रंजीत झा जी भी ऐसे ही आप लोगों का दिल जीतेंगे और बहुत सारी फिल्में करेंगे, आप लोगों के दिल में बस जाएंगे, ये मैं कामना करता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा गाना है, और वो गाना अभी से चर्चित हो गया है, और उस गाने की बड़ी चर्चा है। तो हम लोग शुभकामना देते हैं, हम चाहते हैं कि फिल्म सुपर डुपर हिट हो। रंजीत झा जी तो मेरे मित्र हैं ही, साथ में इसके जो डायरेक्टर हैं संतोष मिश्रा जी मेरे सबसे प्यारे मित्र हैं, तो मैं दिल से दुआ करता हूं कि ये फिल्म इतनी हिट हो कि हम सबको मज़ा आ जाए। नए साल की शुभकामनाएं आप सभी दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना। नए वर्ष में आप नई ऊंचाइयों को छुए, नए कीर्तिमान बनाएं, हम सब की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आजकल आप मीडिया से ज़्यादा बात नहीं करें, क्या कारण? अरे क्यों नहीं, आप जब चाहें मैं तो बात करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट शेयर करना चाहेंगे? हाँ, अभी आने वाली फिल्म है जिसकी शूटिंग मैं कर रहा हूँ, निर्वा हिंदुस्तानी 2, और उसके बाद संतोष मिश्रा जी जो पहली नज़र के सलाम के डायरेक्टर हैं, अभी जो उन्होंने किया जिसके म्यूजिक लॉन्च में आप लोग आए हैं, उनके ही डायरेक्शन में मैं एक और फिल्म कर रहा हूँ बॉर्डर। भैया बात करें जो है कि निरहुआ जो एक निरहुआ हिंदुस्तानी इतिहास रचा था, भोजपुरी सिनेमा को एक ऑक्सीजन का काम किया था, उसी का पार्ट 2 लेके आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए, कितना दिलचस्प रहा शूटिंग? बहुत बढ़िया रहा, और मेरा मानना है कि जितना दिल जीता था निरहुआ हिंदुस्तानी पार्ट 2 भी लोगों को उतनी ही पसंद आएगी, और जो फ्लेवर उस फिल्म का था जिसे देख के लोग इतने खुश हुए थे, और एक एक लोगों ने 50-50 बार देखा निरहुआ हिंदुस्तानी, तो मुझे लगता है कि निरहुआ हिंदुस्तानी 2 अब उनको 100 बार देखना पड़ेगा, इतनी अच्छी फिल्म बनी है। आप क्या कहना चाहेंगे दिनेश जी, आपके साथ है, आपको शुभकामना देने आए हैं, काफ़ी तारीफें कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ा इनका फ़ैन हूँ, मैं इनकी जितनी भी फिल्में आई हैं, राजा बाबू, निरहुआ हिंदुस्तानी, निरहुआ रिक्शा वाला के टाइम से मैं इनकी पहली फिल्म चलत मुसाफिर मोहनियोर मैंने देखा था, और इनके वो गाने, उनके एल्बम, और मैं बहुत बड़ा इनका फ़ैन हूँ। आई एम वेरी लकी टुडे कि मैं आज इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ, इन्होंने अपना हाथ मेरे कंधों पे रखा है, और सुना है जिनके कंधों पे इन्होंने अपना हाथ रखा है बहुत तरक्की किया है। अब अगली बारी मेरी। चलत मुसाफिर मोहनियोर क्या इनका सीन देखकर अपनी बॉडी तो नहीं ऐसे बनाया? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाया, मैं शुरू से ही पतला दुबला हूँ, लेकिन पूरी सिनेमा में भैया ने बहुत ज़्यादा मेरा मोरल सपोर्ट बढ़ाया, बहुत ज़्यादा। मैंने स्पेशल थैंक्स भैया के लिए लिखा है, और इन्होंने बताया था कि आप हमेशा मेरे तरह करिए, और अच्छी कोशिश मैंने करी है करने की, बाकी सब माता रानी का आशीर्वाद है। मैं बस बेस्ट विशेस देना चाहूँगी पहली नज़र को सलाम फिल्म रंजीत जी और संतोष मिश्रा जी, उनके साथ मैंने पहले भी काम किया है, तो मैं उनको भी बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ, और मैं भगवान से दुआ करूँगी कि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हो कि फिर से एक और पार्टी, और हम लोग की हिट के पार्टी के लिए हम लोग को आना पड़े। आप आइटम सॉन्ग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुझे इस फिल्म का म्यूज़िक बहुत पसंद है, और सब मेरे दोस्त हैं संतोष जी, रंजीत जी, तो जब मुझे इन्होंने बोला कि आप एक स्पेशल अपीयरेंस करेंगी, तो मैं बोला व्हाई नॉट, या अपनी पिक्चर है तो आप लोग को गाना बहुत पसंद आएगा, अच्छा गाना है। नया साल आ रहा है, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने सभी दर्शकों को बस यही कहना चाहूँगी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, हैव अ वेरी नाइस एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर।